अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ वो इंतहाई अहम टॉपिक है और एक ये प्रैक्टिकली टॉपिक है। डीडीसी के बारे में तो आप जानते हैं कि डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम क्या, और लास्ट वीडियो के अंदर मैंने जो डीडीसी का सेट होता है, डीडीसी डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम होता है, उसके वॉल्यूम 4 को डिस्कस किया था कि वॉल्यूम 4 के अंदर आप कैसे जाके इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं। तो हम आज के इस टॉपिक के अंदर मैं वॉल्यूम 2 और 3 के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कि वॉल्यूम 2 और 3 क्या होता है और इसके अंदर जाके इंफॉर्मेशन आपको कैसे सर्च करनी पड़ती है, और वॉल्यूम 2 और 3 को आप क्लासिफिकेशन करते हुए किसी भी सब्जेक्ट की, किसी भी किताब की, इसको कैसे यूज़ करें। तो ये तमाम जो इंफॉर्मेशन है या ये जो मालूमात है डीडीसी के सीखने का अमल, इसकी ये दूसरी वीडियो है, वो आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, लाइक और दोस्तों के साथ इसको शेयर करना भी मत भूलें, कमेंट की सूरत में अपनी राय से हमें आगाह करते रहा करें। जी, तो ये डीडीसी सेट है, इसका आप देख रहे हैं कि ये वॉल्यूम 2 है, इसके ऊपर लिखा हुआ आप इसको देख भी सकते हैं, यहाँ पे स्क्रीन पर मैंने हाईलाइट कर दिया है, और ये जो है इसका वॉल्यूम 3 है, अब यहाँ पर देख सकते हैं वॉल्यूम 3 और वॉल्यूम 2। अब जो बुनियादी चीज़ जो मैंने आपको बतानी है कि वो आप इसको यूज़ कैसे करते हैं, आप इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगर यहाँ पे हम इसको इसके बारे में बताऊँ तो यहाँ पे देखिए डेविड डेसिमल एंड रिलेटिव इंडेक्स लिखा हुआ है, एडिशन इसका 20 चल रहा है, तो ये यहाँ पे वॉल्यूम 2 है और यहाँ पे लिखा हुआ है शेड्यूल, शेड्यूल 000 से लेके 599 तक। इट मीन के इस जो वॉल्यूम 2 है इसके अंदर जो डीडीसी के नंबर्स हैं 000 से लेके 5009 तक चलते हैं इसके अंदर, और जो तीसरा वॉल्यूम है और जो शेड्यूल है उसका जो दूसरा वॉल्यूम है उसमें 600 से लेके 999 तक जो नंबर्स हैं डीडीसी के, वो यहाँ पे दिए गए हैं। तो इसमें जो आप अगर कोई भी आप मेन जो चीज़ होती है वो आपके पास ये हमारा जो इंडेक्स होता है ये होता है, इसमें से आप कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ से उठाते हैं, देखते हैं कोई भी टॉपिक है वो यहाँ से उठा लेते हैं, और उसके बाद आगे ये नंबर्स दिए हुए हैं डीडीसी के जो नंबर्स हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं। मैं इनको आपको थोड़ा सा वो इसको जूम करके भी दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये टॉपिक है एक साइड के ऊपर, अगर यहाँ पर देखें तो ये सारे के सारे टॉपिक दिए हुए हैं एंड के ऊपर ये, और इस तरह ये टॉपिक एक साइड के ऊपर दिए हुए हैं। इनको मज़ीद मैं आपको थोड़ा सा वो जूम और करके दिखा देता हूँ कि ये देखिए कैसे इसके ये टॉपिक है, और उसके साथ ही आगे ये डीडीसी नंबर दिए हुए हैं सारे एंड के ऊपर इस तरह। तो आपने क्या करना है कि जब आपके पास कोई टॉपिक आ जाता है, फर्ज करें ये टॉपिक आपके पास, इसमें से कोई भी आप देख लेते हैं, किसी भी टॉपिक के ऊपर आप चले जाएँ, तो फॉर एग्जांपल मैं अब देखता हूं जी कि ये लाइब्रेरियंस है, तो ये लाइब्रेरियंस का लफ्ज़ यहाँ पे मौजूद है, ये आप देख लें थोड़ा सा इसको करीब व्यू से, तो ये लाइब्रेरी का लफ्ज़ यहाँ पे दिया हुआ है लाइब्रेरियंस ये वाला। इसके बाद आगे इसका नंबर दिया हुआ 020.92। तो अब जब हम इस नंबर देख लेंगे वॉल्यूम 2 से, तो उसके बाद आप देखें यहाँ पे जो चीज़ समझने वाले, ये वॉल्यूम 3 मेरे पास पड़ा है, ये वॉल्यूम 2 है, जो हमने लाइब्रेरी का नंबर देखा था वो 02 के अंदर देखा था हमने, 02 के अंदर। तो अब सिंपली मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर 02 में मैंने वॉल्यूम 2 उठाना है और उसके 02 नंबर को देखना है, और इसके लिए नीचे मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट टॉप के ऊपर जो नंबर जहाँ पर लगे होते हैं मैं हमने उनको देखना होता है, ये दोनों साइड पर नंबर लगे होते हैं। तो 02 था, आप देखें यहाँ पे 069 चल रहा है, ये 07 है, ये 070 है, तो हमने चूंकि 02 पे जाना है तो डायरेक्ट हम 02 के ऊपर आ जाएंगे। ये आप यहाँ पे इसको देख भी सकते हैं कि ये 02 की मेन क्लास हमें यहाँ पे मिल गई डीडीसी के अंदर, ये 02 की क्लास है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के ऊपर है, आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, जब ये हमें मिल जाएगी तो अब हमने देखा था वहाँ पे कि 027 था नंबर हमारा 70, तो अब हमने 02 है इसकी जो मेन समरी है उसमें देखना है, जहाँ पे हमें 7 का नंबर मिलेगा हम वहाँ पे चले जाएंगे, या हमें 6 का नंबर मिलेगा, जो भी हमें 02 के बाद, या आप देखें 02 है हमारे पास, इसके बाद कोई भी अगर नंबर हमें चाहिएगा होगा तो हम इसको फॉलो करेंगे। ये स्टैंडर्ड सब डिविजन भी दी हुई है, अगर इसके अंदर आप देखें 02
ज़ीरो टू ज़ीरो है, अगर डॉट वन से लेके डॉट नाइन तक जो है ये स्टैंडर्ड सब डिवीजन इसका चल रहा है। इसी तरह आप क्या इसका जो बुनियादी मकसद है हमारा देखने का, इसको हम क्यों देखते हैं? इसका देखने का मकसद ये होता है कि इसके अंदर हम जाके नंबर्स जो होते हैं उनको वेरीफाई करते हैं, नंबर्स को वेरीफाई करते हैं कि जो हमने इंडेक्स के अंदर आपने जाके कोई नंबर हमें मिला था, इसके अंदर कोई टॉपिक हमने ढूंढा जो नंबर मिला, तो उसको हम वेरीफाई जाके यहाँ से करते हैं। तो जब फाइव अगर 600 का कोई नंबर आपने वेरीफाई करना है तो, या 500 का करना है तो वो आप इससे जाके करेंगे। 600 अगर उधर देखेंगे तो आपको डायरेक्ट वहाँ पे नहीं मिलेगा, 600 आपको वॉल्यूम 3 के अंदर जाके मिलेगा। और इसी तरह वॉल्यूम 000 से लेके 5009 तक आपको जो इंफॉर्मेशन है वो वॉल्यूम 2 से मिलेगी, और इसके बाद ऑनवर्ड जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ से मिलेगी। आप डायरेक्टली इन दोनों को यूज़ नहीं करते, याद रखिएगा कि डायरेक्टली वॉल्यूम 2 और जो वॉल्यूम 3 है इसको डायरेक्ट आप जाके यूज़ नहीं करेंगे। सबसे पहले आप उस इंडेक्स को यूज़ करते हैं, उसके बाद उसमें से जो नंबर्स दिया हुआ है अगर वो 0 से लेके 500 का है उसमें नंबर है तो आप वॉल्यूम 2 को देखेंगे, अगर 600 से लेके 900 तक है तो आप वॉल्यूम 3 में जाके उस नंबर को वेरीफाई कर लेते हैं। कि फ़र्ज़ करें जी यहाँ से मैं कोई नंबर और ले लेता हूँ, अब मैंने वो 5 नंबर लिया था वहाँ पे 000 से लेके 500 के वॉल्यूम 2 को हमने देखा, अब मैं कोई ऐसा नंबर यहाँ से उठाता हूँ जो 600 के अंदर जा रहा होगा। हाँ जी, यहाँ पे एक नंबर मुझे मिला है, हम चलो इसको सिंपल सा है ये नंबर, इसको हम देख लेते हैं। वो है जी कि हॉस्पिटल का नंबर ले लें जी, हॉस्पिटल कोई का नंबर उठा लेते हैं, हॉस्पिटल कुकिंग का नंबर है 641.579। तो अब मैं इसको सेम इसी तरह यहाँ पे रख दूंगा, और अब जैसे मेरा वो आप नाम से ही ज़ाहिर है कि 65 जो है ना हमने उसके ऊपर जाना है, तो अब मैं ये जो वॉल्यूम है ये वाला वॉल्यूम 2 है, इसके अंदर 600 से ऊपर वाली इंफॉर्मेशन है वो हमें वॉल्यूम 3 से मिलेगी। तो हम वॉल्यूम 3 के अंदर जाएंगे, अब मैंने जाना है 6 के ऊपर जाना है। सबसे पहले ये 6 आप देख रहे हैं, ये 6 आप देख रहे हैं यहाँ पे 6 का जो DDC के अंदर नंबर्स हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं। तो अब मैं क्या करूँगा कि 6 के ऊपर जाने के बाद मैं अब जो मेरा टॉपिक है मेन टॉपिक जो मैंने इस बुक से इंडेक्स से देखा था यहाँ पे कि हॉस्पिटल कुकिंग 641.589, तो अब मैं 641 के ऊपर जाऊँगा। ये देखें जी 664 है, तो मैं आप थोड़ा सा बैक आऊँगा, और ये 642, ये 641 यहाँ से शुरू हो गया, ये 641 है, ये 641 की मेन समरी यहाँ पे आ गई। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 641 यहाँ पे ये मौजूद है, इसको थोड़ा सा आप अगर जूम करके देखें तो ये आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा, ये 641 यहाँ पे आपको मिल रहा है। अब 641 के बाद मेरा जो अगला टॉपिक था उसके साथ जो मैंने जिसको मैच करना है वो 579 के ऊपर जाना है मैंने, तो अब मैंने क्या करना है 647 के ऊपर मैं जब गया हूँ ये मेरे पास है, तो अब ये इसकी जो समरी है उसके अंदर जाके मैं देखूंगा तो ये 7 वाला नंबर मुझे यहाँ पे नज़र आएगा 641। उधर भी देखें अगर मेरा मैं अगर आपको दिखाऊं तो इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए हॉस्पिटल कुकिंग के अंदर हमें 641 के ऊपर हम गए हैं, तो ये 641 हमने यहाँ से ढूंढ लिया। इसके बाद आगे जो नंबर है वो 5 का नंबर है, ये 7 का नंबर है, तो हमने वहाँ पर जाना है। अगर ये देखें वहाँ पर क्या नंबर है, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपने इसको फॉलो करके देखना है कि हॉस्पिटल कुकिंग 5641 आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं 6 ये है जी नंबर, इसका नंबर है 641.579। तो अब जब मैं इसके ऊपर गया हूँ तो सेम वही नंबर आपको मिलेगा जो आपके टॉपिक का है, तो इससे आपका टॉपिक जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। ये जी 641 है जी, ये मेरे पास 641 रहा, ये 641 ये ऊपर आ गया, इसके 5 के ऊपर ये देख लें आप कुकिंग नज़र आ रहा है 641.00, यहाँ पे इससे पहले इशारिया लगा हुआ 5 से पहले अगर आप देखें तो ये नंबर हमारा कुकिंग का बन जाता है, हॉस्पिटल कुकिंग जो है या फूड ड्रिंक है जो मेन है तो वो यहाँ पे आपका नंबर मिल जाएगा। इसके बाद अगर मैं इसको अब 5 को जाके मैं थोड़ा सा आगे डिटेल में देखता हूँ तो उसमें जो हमारा मजीद नंबर है वो भी हमारा वाजिया हो जाएगा। ये जी 5 की समरी आ गई, 5 जो था 5152, तो हमारा नंबर था क्या जी
जो हॉस्पिटल कुकिंग का नंबर है वो 579 है। तो हम देखिए जी, फाइव हम लोग फाइव के गए, फाइव ये सेवन आ गया। तो 57 पे जब हम इसको मजीद, ये 57 आप देख रहे हैं यहाँ पे 57 आ गया ये वाला, तो अब यहाँ पे अब पॉइंट क्या बनेगा, 641.57। तो हमारा जो टॉपिक है, जो हमारा जो नंबर है वो 579 के ऊपर है। तो मैं 57 के ऊपर जाऊँगा, 57 के ऊपर जाके हम देखते हैं कि वहाँ पे क्या मिलता है हमें। ये देखिए जी, ये 57 चल रहा है और 579 ये हमारे पास जो टॉपिक था वो आ गया। अब इसमें आपने नंबर कैसे मैच करना है, ये जो सेम अब इंडेक्स के अंदर हमें नंबर मिला था वो हमने इसके अंदर जाके देखना, 641 ऊपर आ गया जी, इसके बाद 579। ये देखिए फॉर हॉस्पिटल एंड अदर मेडिकल फैसिलिटीज़, उसके बारे में ये हमें नंबर मिल गया कि जो हमें उस बुक से हमें इंडेक्स से उसने रेफर किया था, वो यहाँ पे नंबर आपको आके वेरीफाई हो गया कि ये नंबर कौन सा है आपने जो DDC के सेट से लगाना है।